हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन लनवरे देतीमन। बीएड बीटीसी डीलेड स्टूडेंट्स के लिए वैकेंसी आई है दिल्ली पब्लिक स्कूल से, टीचर फॉर ऑल सब्जेक्ट फॉर ऑल क्लासेस। सभी क्लासेस के लिए सभी सब्जेक्ट की वैकेंसी यहां पर टीचर्स की निकाली गई है। इसके अलावा भी स्टाफ की वैकेंसी है जहाँ सैलरी अलग अलग दी गई है। टीचर्स की अगर बात करूँ तो सैलरी 20,000 से 50,000 तक मिलने वाली है। फ्री फूड रहेगा, रेजिडेंस रहने की भी सुविधा यहाँ पर दी जाएगी। कोई एग्जाम नहीं होगा, ऑल स्टेट अलाउ रहेंगे यहाँ पर। लास्ट डेट रहेगी 10 सितंबर। मेन वेबसाइट पर दो एडवर्टीजमेंट डाले गए हैं, एक तो आप लोगों को जो है संक्षिप्त में विज्ञापन मिलेगा और दूसरा जो है विस्तृत विज्ञापन भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। कैसे एप्लीकेशन करना है तो बिल्कुल वीडियो के अंत तक बने रहे। तो आप लोगों को ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है, कहाँ पर जो है वो आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा, सारी चीजें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। दिल्ली पब्लिक स्कूल सीबीएसई स्कूल है, स्टाफ रिक्रूटमेंट लास्ट डेट अप्लाई इज 10 सितंबर 2023। वाइस प्रिंसिपल की वैकेंसी है, एकेडमिक हेड कोऑर्डिनेटर की वैकेंसी है, पीजीटी सभी सब्जेक्ट आप देख सकते हैं, इंग्लिश केमिस्ट्री फिजिक्स बायो मैथ इकोनॉमिक्स बिजनेस स्टडीज हिस्ट्री अकाउंट्स पॉलिटिकल साइंस ज्योग्राफी एंड साइकोलॉजी। तो सारे सब्जेक्ट आ गए पीजीटी में। तो अगर आप लोगों ने पोस्ट ग्रेजुएट किया है इन किसी भी सब्जेक्ट में, बीएड किया हुआ है, तो आप एप्लीकेशन करें यहाँ। टीजीटी एंड पीआरटी के सभी सब्जेक्ट, यहाँ कोई एक सब्जेक्ट नहीं लिखा है इन्होंने, सभी सब्जेक्ट के यहाँ पर टीचर्स की डिमांड की गई है। स्टूडेंट काउंसलर यानी साइकोलॉजिस्ट की वैकेंसी है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर की है, एडमिनिस्ट्रेटर असिस्टेंट की है, सीनियर अकाउंटेंट की है, होस्टल सुपरिटेंडेंट की है, गर्ल एंड बॉयज होस्टल वार्डन की भी वैकेंसी है। तो शॉर्ट जो नोटिस है उसमें लिखा है सैलरी या बेनिफिट्स एज पर डीपीएस नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आप लोगों को मिलेगी। तो अभी जो डिटेल इन्फॉर्मेशन में सैलरी भी मेंशन की गई है। मोर इन्फॉर्मेशन अप्लाई एट, तो ये जो है इसकी मेन वेबसाइट है जिसका लिंक दिया गया है, ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन एक्सेप्टेड। थोड़ा सा जो है वो नजर मारिए, स्कूल जो है वो इस तरीके का जो है वो दिखाई दे रहा है, काफी अच्छा और बहुत बड़ा जो है वो स्कूल है। डीपीएस झांसी से वैकेंसी आई है। लेफ्ट साइड में आप लोगों को ये तीन डॉट जो है वो नजर आ रहे हैं, तो आप इस पर जो है वो क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे नीचे जॉब्स, जॉब्स पर जो है वो आप लोगों को जाना है। तो अभी जो है एप्लीकेशन कैसे करना है, तो आप लोगों को यहाँ दिख रहा है वी आर हायरिंग अप्लाई ऑनलाइन एट दिस लिंक जॉब एप्लीकेशन फॉर्म, तो ये इसी पर जो है वो आप लोगों को क्लिक करना है तो एप्लीकेशन फॉर्म आप लोगों के सामने आ जाएगा। 10 सितंबर से पहले आप लोग एप्लीकेशन करें। अब एडवर्टीजमेंट हम डिटेल में देख लेते हैं, सैलरी वगैरह सारी चीजें चेक करते हैं। वाइस प्रिंसिपल की वैकेंसी, एकेडमिक हेड सुपरवाइजर लेडी काउंसलर पी आर ओ एडमिनिस्ट्रेटर सीनियर अकाउंटेंट होस्टल वार्डन टीटी कोच और टीचर्स जो है वो सभी सब्जेक्ट के, ठीक है, पीजीटी टीजीटी पीआरटी जितने भी सब्जेक्ट, जहां आप लोग किसी भी सब्जेक्ट से हैं तो आप यहां पर आ सकते हैं। यहां पर जो है लिखा है कि अगर जो है क्वालिफिकेशन आपके पास बैचलर डिग्री है आपके सब्जेक्ट में और आपने सीटेट क्वालिफाई किया है, साथ में जो है 3 साल का एक्सपीरियंस है टीचिंग एक्सपीरियंस, तो आप यहां पर एप्लीकेशन कर पाएंगे। बहुत सारी वैकेंसी निकलती हैं, जहां मैं आप लोगों को केंद्रीय विद्यालय की वैकेंसी बताती हूं, सैनिक स्कूल की भी बहुत सारी बताई हैं, एनवीएस नवोदय विद्यालय की, जो भी वैकेंसी निकलती है आप लोगों को यहां पर जॉब जरूर करनी चाहिए, क्योंकि यहां पर जो है आप लोगों को सैलरी के साथ में जो एक्सपीरियंस मिलता है। तो बहुत बड़े स्कूलों में जब वैकेंसी आउट होती है तब आप लोगों के पास जो है वो एक सर्टिफिकेट रहता है एक्सपीरियंस का, ठीक है, तो आप लोग आराम से जो है वो जा सकते हैं, क्योंकि डीपीएस जो स्कूल है यहाँ की सैलरी आप लोगों को काफी अच्छी देखने को मिलेगी। अभी हम सैलरी की जो बात करेंगे, यहाँ आप देख सकते हैं बेनिफिट्स, यहाँ पर जो है सैलरी आप लोगों को मिलेगी यूजुअली 20,000 to 75K यानी 20,000 से 75,000 तक टीचर्स को सैलरी जो है यहाँ पर मिलेगी ऐसा कहा गया है। बाकी जो नॉन टीचिंग स्टाफ है उसकी जो सैलरी है इन्होंने कहा है कि 20,000 से लेकर 50,000 तक मिलेगी। वाइस प्रिंसिपल एकेडमिक हेड कोऑर्डिनेटर और बाकी जो सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर हैं इन ये जो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सैलरी जो है इनको 50,000 से 90,000 तक पर मंथ जो है वो दी जाएगी, ठीक है, साथ में एक्सपीरियंस तो आपको मिलता ही है। उसके बाद है एक लाइन और देखिए कि अगर जरूरत पड़ती है तो आप लोगों को रहने की सुविधा और खाने की सुविधा जो है वह भी प्रोवाइड की जाएगी। नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर जो मैंने आप लोगों को शॉर्ट में एडवर्टीजमेंट दिखाई ये भी मेन वेबसाइट पर आप लोगों को मिल जाएगा। न्यूज़पेपर में तो आया ही था, साथ में शॉर्ट में और डिटेल में एडवर्टीजमेंट मेन वेबसाइट पर है, इसका लिंक मैं आप लोगों को जरूर शेयर करूंगी। तो मैंने आप लोगों को बता दिया है कैसे जो है एप्लीकेशन करनी है, इसकी मेन वेबसाइट पर आना है दिल्ली पब्लिक स्कूल झांसी की, 3 डॉट मैंने आपको बताए थे उन पर जाना है, जॉब उसके बाद जॉब पर आना है आपको, ठीक है, जॉब के बाद ये जो है पेज ओपन हो जाएगा, यहां पर जो है एप्लीकेशन फॉर्म आप लोगों को
मिलेगा। तो अभी जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो ये आप लोगों को दिखाई दे रहा है। बेसिक डिटेल आपको भरनी है, फुल नेम आपको डालना है, अप्लाइंग फॉर पोजीशन किसके लिए आप एप्लीकेशन कर रहे हैं, टीजीटी टीचर्स के लिए कर रहे हैं तो इस पर क्लिक करें, यदि आप पीआरटी के लिए कर रहे हैं तो आप पीआरटी टीचर्स के लिए करें, ठीक है। सब्जेक्ट टॉट कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना चाहते हैं, सारे सब्जेक्ट आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे। यानी बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर एप्लीकेशन जो है वो कर रहे हैं और आपको भी यहाँ करना चाहिए। ईमेल एड्रेस जो है वो आप लोगों को यहाँ पर ईमेल एड्रेस जो है वो बिल्कुल यहाँ डालना है, अच्छे से बिल्कुल सही तरीके से डालना है। मोबाइल नंबर भी डालें ताकि आप लोगों को कॉन्टैक्ट किया जा सके। करंट एड्रेस जो है वो आप लोगों को भरना है, परमानेंट एड्रेस, पर्सनल डिटेल जो है वो आप लिखें, यहाँ पर जो है वो अपने जितने डॉक्यूमेंट हैं वो सभी जो है आप लोगों को यहाँ पर अपलोड कर देने हैं। डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, एज, प्रोफेशन ऑफ पेरेंट्स का जो है क्या यहाँ पर कार्य करते हैं आपके पेरेंट्स वो लिखना है, क्वालिफिकेशन आपके लिखें। उसके बाद जो है यहाँ पर हैव एनी ऑफ द फॉलोइंग वर्क, अगर आप इनमें से कोई वर्क करते हैं विद इंडियन आर्म फोर्स तो वो आप जो है यहाँ लिख सकते हैं। अगर आप शादीशुदा हैं, सिंगल हैं, डिवोर्स हैं, ठीक है, जो भी हैं वो आप यहाँ पर अपना भरें। मेरे कहने का मतलब है कि आप बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पर भरनी है, ठीक है, और सारी चीज़ें जो है वो एकदम अच्छे तरीके से फिल करके आपने जो है एम एड, बी एड, सी टेट, टेट क्या किया है तो वो जो है वो आप लोगों को क्लिक कर देना है इस तरीके से, ठीक है, जो भी आपने किया है। उसके बाद जो है वो यहाँ पर अपना रिज्यूम बायोडाटा जो है वो आप लोगों को यहाँ पर अपलोड करना है, ठीक है, और लिखा है पीडीएफ लेस देन 1 MB, 1 MB से जो है वो अधिक नहीं होना चाहिए। एप्लीकेशन फीस जो है यहाँ पर लिखी है, ₹300 जो है वो आप लोगों की एप्लीकेशन फीस जो है यहाँ पर लगेगी, और आप लोगों को जो है यहाँ पर UPI कोड दिया हुआ है, बाकी बैंक डिटेल भी जो है इन्होंने दी है। लास्ट में जो है वो आप लोगों को सबमिट जो है कर देना है, ठीक है। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो आप लोगों को पता चल गई है। तो इतनी अच्छी सैलरी के साथ जो है वो बिल्कुल आप लोगों को जाना चाहिए, ऐसी जॉब जो है वो बिल्कुल हर समय नहीं आती है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।